हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम आलू के लच्छेदार पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसकी आवाज़ सुनिए, देखिए कितना क्रिस्पी बने हुए हैं ये, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बरसात के दिनों में या फिर आप इसे कभी भी इसे इंजॉय करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस लच्छेदार पकौड़े को बनाने के लिए यहाँ पर हम आलू लिए हैं, कच्चे आलू हैं ये 500 ग्राम, और इनका छिलका निकाल कर इस तरह से पानी में डाल देंगे ताकि ये आलू काले ना पड़े। खाना खाने वाले चम्मच से, जो ये हमने चम्मच लिया हुआ है, इसी चम्मच से 5 चम्मच हम लेंगे बेसन। सूजी इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च 5-6 कटी हुई, और हरे धनिया के पत्तियाँ कटे हुए। इस पकौड़े को बनाने के लिए हम बेसन बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेसन से इसके लच्छे नहीं दिखाई देंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। और यहाँ पर सूजी की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें से आप दोनों भी स्किप कर दीजिए, इसके बगैर भी बना सकते हैं पकौड़े को। और इसमें आप चाहें तो मसालों में जीरा, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, लहसुन अदरक का पेस्ट, आपको जो इच्छा हो आप वो डाल सकते हैं। लेकिन आलू के लच्छेदार पकौड़ों के लिए ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। अगर आप बिना चटनी के खाते हैं तो आप सभी मसालों को एक साथ डालकर मिक्स करके पकौड़े को बना सकते हैं। वैसे तो पकौड़ों के साथ चटनी बनती ही है, तो अगर चटनी यूज कर रहे हैं तो हम ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, इनका ओरिजिनल टेस्ट हम आने देंगे आलू में। तो चलिए अब इसको ग्रेट कर लेते हैं। अब सभी आलूओं को इस तरह से मोटे वाले छेद पर हम ग्रेट करेंगे, पतले वाले पर नहीं करेंगे, जो सबसे मोटे वाले हैं उन्हीं पर हमें करना है। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप हाथ से भी पतले पतले स्लाइस करने के बाद आलूओं को काट सकते हैं। तो चलिए इस पे हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। और जब आलूओं को हम कद्दूकस करेंगे तो लंबे साइड से करेंगे ताकि हमारे लच्छे भी लंबे लंबे आए। तो चलिए आपको करके मैं दिखाती हूँ। हाथों को बहुत बचाकर धीरे धीरे हम इस तरह से घिस लेंगे, और जो भी लास्ट में थोड़ा सा आलू बचेगा उसको हटा देंगे, हम सब्जी में यूज कर लेंगे। अब देखिए कितने बढ़िया तरीके से लच्छेदार लंबे लंबे हुए हैं। अब इसको तुरंत हम पानी में डालेंगे ताकि ये काले ना पड़े। थोड़ा थोड़ा इस तरह हम ग्रेट करते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो चलिए सभी को हम ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी आलू को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको 3-4 बार पानी से हम अच्छे से साफ करेंगे ताकि इसके सारे स्टार्च निकल जाए और जो हम पकौड़े बनाएं तो बहुत क्रिस्पी बने। आलूओं को हमने 3 बार अच्छे से साफ कर लिया है। अब उसके बाद लास्ट में 1 बार और हम पानी लेंगे, उसमें नमक डालेंगे और अच्छे से नमक को घोल लेंगे। उसके बाद आलूओं को डाल देंगे, और आलूओं को डालने के बाद इसको अच्छे से धुल कर निकाल लेंगे। और याद रहे फ्रेंड्स, इसमें निकालने के बाद पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, कोई स्टेनर पर रख देंगे जिससे पानी सारा निकल जाए, या तो फिर हाथों से ऐसे हल्के हाथों से दबा दबा कर पानी निकाल लेंगे पूरा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आलू कितने अच्छे से साफ हुए हैं, इसका स्टार्च बिल्कुल निकल चुका है, और इसको हमने किसी जाली पर रख दिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। सारा पानी निकल जाएगा तो बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी होगा। अब डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च को, और 5 चम्मच बेसन डालेंगे। 500 ग्राम आलू में 5 चम्मच काफ़ी हैं, और 2 चम्मच डालेंगे सूजी को। बहुत ज़्यादा सूजी, मैदा या फिर बेसन नहीं डालना है, नहीं तो उन्हीं सबों का टेस्ट आएगा, आलू दिखेंगे ही नहीं। और यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ये नमक है। पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, आलू में इतना मॉइस्चर है, नमक डालने से सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हल्दी फ्रेंड्स चाहे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हल्दी हम नहीं डाले हैं। जब ऑयल में हम डालेंगे इसको तो ऐसे उठाएंगे और डायरेक्ट इस तरह डाल देंगे, कोई हमें दबाना नहीं है ना ही कोई शेप देना है। बहुत दबा कर ऐसे डालेंगे फ्रेंड्स ऑयल में तो इसके जो लच्छे हैं वो दिखाई नहीं देंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेंगे जिसमें हम पकौड़े को फ्राई करेंगे, तो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है और हाई फ्लेम पर ही पकौड़ों को तलना है। देखिए ऐसे उठाएंगे और डायरेक्ट इस तरह से डालते जाएंगे, छोटा या बड़ा जैसे आपको चाहिए, और गैस को बिल्कुल कम नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर ही आलू अच्छे से फ्राई होंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं जब आँच कम रहेंगे तो। और पकौड़ों को डालने के बाद तुरंत हम पलटा नहीं लगाएंगे, जब ये बुलबुले अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको क्रिस्पी दिखने लगेगा नीचे से, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। देखिए यहाँ पर बुलबुले ख़त्म हो गए हैं और नीचे से थोड़ा थोड़ा सिक गया है, तो एक बार इसको पलट लेंगे और ऐसे ही दोनों तरफ से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गैस बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही है, और देखिए एक बार और इसको हम पलटेंगे और चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक और गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे।
अब ये पूरी तरह से जाकर फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह से सेम फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा हरी मिर्च को इस तरह से बीच से चीरा लगा देंगे ताकि ऑयल में ये छटके ना। और इस तरह से करी पत्ता है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। इसको फ्राई कर लेंगे। बस अब ये फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आलू के जो लच्छे हैं कितने ही साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा बेसन का यूज करेंगे तो भी आपके लच्छे अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, और बहुत ज़्यादा हाथों से दबा कर डालेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही और उतनी ही मात्रा का यूज करें, आपके भी इस तरह से लच्छेदार पकौड़े बनकर तैयार होंगे। और हरी मिर्च को हमने इस तरह से ऊपर से थोड़ा सजा कर रख दिया है। अब बस गर्मा गर्म चाय के साथ इस पकौड़े का आनंद लीजिए। और हरी चटनी है फ्रेंड्स, इसमें हमने लाल मिर्च, हरी धनिया, हरा मिर्च, नमक डाला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भी कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।